हेलो एंड वेलकम टू अड्डा मेरे प्यारे बच्चों वो बच्चे जो अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं यानी कि अभी आप बिल्कुल छोटे हैं अभी आपने ट्वेल्थ पास की है टेंथ पास की है तो आप बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं जो ये कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना ये 2016 में हुआ था पहली बार फिर इसके बाद 2017 में हुआ अब मेरे प्यारे बच्चों ये कांस्टेबल की वैकेंसी आई है तो आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में बैठ के तैयारी कर रहे हैं कोई बच्चा किताबों से पढ़ रहा है कोई बच्चा कहीं से ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहा है जो भी बच्चा जहां से पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है आप पढ़िए मैं आपको अभी ये बताने लगा हूं कि आखिर पुराने पेपरों को यूटिलाइज करके पढ़ते कैसे हैं तो ये जो मैं सीरीज ला रहा हूं अपने उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे कांस्टेबल की आईटीबीपी की जीडी की अग्निवीर की सीएचएसएल की मगर जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए वो भी ये वीडियो देखिए आपके लिए इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छा कंटेंट लाया है आपको मैं ये बताने लगा हूँ कि प्रीवी से पेपर को यूटिलाइज करके कैसे नई तैयारी की जाती है पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना जो भी यहां स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे ना आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत है ना नोट बनाने की जरूरत है ये सब में आपको लिखा हुआ मटेरियल हमारी वेबसाइट में है वहां से मैं आपको दूंगा देखो ये क्वेश्चन आ गया कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग किसी चीज को अचीव करने का जो प्रयास लगाया जाता है बार बार कोशिश की जाती है किसी भी चीज़ को अचीव करने की जो कोशिश की जाती है क्या हम उसको परसीवरेंस बोलते हैं क्या हम उसको अटेम्प्ट बोलते हैं क्या हम उसको इंथोसियाजम बोलते हैं क्या हम उसको विगुर बोलते हैं यानी कि ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बताऊँ विगर का मतलब होता है जोर से किसी चीज़ को रगड़ना जोर से अटेम्प्ट का मतलब होता है बस ट्राई करना जम का मतलब होता है कोई अनर्जेटिकली कोई चीज करना तो किसी भी काम को काम के लिए बार बार ट्राई करते रहने को बोलते हैं परसिवरेंस है? तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया परसिवरेंस ठीक है जी तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया परसिवरेंस आपको पता चल गया चलिए आगे चलते हैं पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे देखो मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इंडिया में कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए वोट डालने के लिए यह आप सबको पता है अठारह साल का बच्चा होगा तभी वो वोट डाल सकता है यानी कि मैं अभी अभी वोट डालने के काबिल हो चुका हूं ठीक है यानी कि अभी मेरी जो है मैं अभी पिछले साल तो सतारह साल का था अभी मैं हो गया हूं अठारह साल का तो मैं अब वो डाल सकता हूँ आप सबको पता है फिर उसके बाद अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि मास्टर जी आपने तो शादी भी कर लिए हो ब्याह कर लिए हो बच्चे हैं आपको तो वो शादी चाइल्ड मैरिज करा दी हमारे घर वालों ने हमारी हम छोटे हैं अभी तो शादी जल्दी करा दी क्या कर सकते हैं आगे देखो आगे ये क्वेश्चन आ गया यहां पे देखो इफ इन अ सर्टन कोड कैट इज रिटन एज डी बी यू डी ओ जी विल बी रिटन एज ये रीजनिंग का सवाल आ गया देखो सी ए टी कैट का क्या कोड है डी बी यू मैं आपको यह मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल बिगनर हैं अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा आपको पता है एबीसी में सी की वैल्यू होती है तीन ए की वैल्यू होती है टी की वैल्यू होती है ट्वेंटी जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो आप वैल्यूज याद रखते हैं ना और डी की वैल्यू होती चार बी की वैल्यू होती दो यू की वैल्यू होती ट्वेंटी वन तो अब आप इमेजिन करिए तीन के बाद चार एक के बाद दो बीस के बाद इक्कीस तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है हमें निकालनी है डी ओ जी की तो अगर हम नंबर नाम भी लिखें देखो सी के बाद डी ए के बाद बी टी के बाद यू अब डी के बाद क्या आएगा एफ ओ के बाद डी के बाद आएगा अच्छा ए ना है ना अच्छा मैं ऐसे चेक कर रहा था कि आपको एबीसी आती है या नहीं आती मुझे तो आती है ऐसी बात नहीं है डी के बाद क्या आएगा ई e. तो देखो अब सारे ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है डी के बाद आएगा ई e. तो यहां भी ई e है यहां भी e. इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी खत्म ये ऑप्शन भी खत्म कभी कभार हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन करना होता है ठीक है प्यारे बच्चों समझा रहा आपको अब <coughs> जी के बाद क्या आता है आहा, वेरी गुड जी के बाद आ गया एच तो अब देखो जी यहां भी एच है यहां भी एच है इसका मतलब हमें यह भी निकालना पड़ेगा ओ के बाद क्या आता है ओ के बाद आ गया पी तो देखो जी पी यहां नहीं है यहां है ये आ गया जी इसका आंसर ई e पी एच ठीक है ये बहुत इजी चीजें वेरी इजी दीज आर वेरी इजी कंसेप्ट आगे चलते हैं मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया है फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो विच दी फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन दी प्रियाम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वी दी पीपल ऑफ इंडिया है ना याद हो रहा आपको कि नहीं है इसमें सॉवरिन भी है सोशलिस्ट भी है डेमोक्रेटिक भी है वेलफेयर इसमें नहीं है तो विच फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन दी प्रियांबल ये भी है ये भी है ये भी है इस क्वेश्चन में आंसर आएगा वेलफेयर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर नाम यानी कि प्रियांबल में वेलफेयर नहीं लिखा हुआ है ठीक है आगे चलते हैं देखो इफ यू राइट डाउन ऑल दी नंबर्स फ्रॉम वन टू हंड्रेड देन हाउ मेनी टाइम डू यू राइट थ्री यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है यह क्वेश्चन कहता है अगर हम एक से लेके सो तक गिनती लिखें तो हम कितनी बार कितनी बार हम तीन लिखेंगे कितनी बार हम तीन लिखेंगे देखो प्यारे बच्चों मैं कोई ट्रिक अप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अभी आप बच्चे बिगनर हैं बिगनर्स बच्चों को ट्रिक बताने का मतलब होता है कि उनको पढ़ाई से दूर करना क्योंकि अभी आप तो बिगनर हैं आपको कंसेप्ट बताना चाहिए देखो जहां जहां ट्रिक आएंगे मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके वाले ट्रिक सिखाऊंगा देखो हमने गिनती लिखी एक से लेके दस तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मुझे बताओ थ्री कितनी बार आया थ्री आया एक बार सिर्फ थ्री ठीक है अब गिनते जाना हमने अलेवन से लेकर ट्वेंटी तक गिनती लिखी तो थ्री कितनी बार आएगा थर्टीन आएगा इसमें तो एक बार ठीक है समझ आ रही ना आपको अब हमने इक्कीस से लेकर तीस तक गिनती लिखी थ्री कितनी बार आएगा एक तो तेईस और एक तो तीस एक और एक दो बार आ गया तीन कितनी बार आ गया दो बार अब हमने गिनती लिखी थर्टी वन से लेके 40 तक तो कितनी बार तीस आएगा गिनते जाना एक तो थर्टी वन में आ गया थर्टी टू में आ गया थर्टी थ्री में आ गया थर्टी फोर में आ गया थर्टी फाइव में आ गया थर्टी सिक्स में आ गया थर्टी सेवन में आ गया थर्टी एट में आ गया थर्टी नाइन में आ गया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस कितनी बार आ गया तीन दस बार अब हम लेंगे फोर्टी वन से लेके फिफ्टी अब देखो कितनी बार आएगा तीन फोर्टी थ्री आएगा यानी कि एक बार अब हमने लिखा फिफ्टी वन से लेके सिक्सटी तीन कितनी बार आएगा 53 में आ गया एक बार अब हमने लिखा 60 से ना 61 से 70, तो 63 आ गया एक बार तीन अब हम लिखेंगे 71 से 80, तो 73 आएगा एक बार तीन अब हम लिखेंगे 81 से 90, 83 आएगा एक बार तीन अब हम लिखेंगे 91 से 100 तो तिरानवे आया बीच में एक बार तीन ठीक है अब मेरे प्यारे बच्चों गिनो 10 दो बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस कितनी बार तीन आया बीस बार तो हमने लिख दिया जी बीस हो गया आंसर ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक भी है ट्रिक भी आपको यहां पे हम पढ़ाते बढ़िया अंदाज वाले ट्रिक पढ़ाए जाते हैं मगर अभी मैं फिर से आपको बताऊं मैं बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं जैसे आपने कभी जिंदगी में रीजनिंग नहीं पढ़ी है या मैथ नहीं पढ़ा है तो ये तो आम इंसान को भी आ जाता है सही बात है कि नहीं है आगे चलते हैं अगला सवाल देखो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं जितने भी बेल्ट फोर्स के पेपर होते हैं या जितने भी प्लस टू या प्लस या दसवीं या बारहवीं लेवल के पेपर होते हैं उनमें पूछा जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट पर्सन हु रीच नॉर्थ पोल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि हर फील्ड में पहला बंदा कौन था वो पूछा जाता है तो हम अपनी क्लास में एक टॉपिक पढ़ाते हैं फर्स्ट इन इंडिया मेल और फीमेल इंडिया और वर्ल्ड दोनों में अब मैं आपको बताऊं पहला होम मिनिस्टर इंडिया का सरदार वल्लभ भाई पटेल पहला होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल अब आपको ये कलर नहीं दिख रहा होगा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं सुनिए हिंदुस्तान की तारीख में एक बंदा गुजरा है जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल क्या नाम था वल्लभ भाई पटेल यही वल्लभ भाई पटेल 1928 में गुजरात में जाते हैं एक जगह आती है बरदोली लोग आंदोलन चला रहे थे तब वल्लभ भाई पटेल ने लोगों को मनवाया फेवर में अपने फेवर में तब गुजरात की यानी कि बरदोली की लेडीज ने कहा ये बंदा तो सरदार है क्या है यह बंदा इसलिए इनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल एस एस सी ने पूछा वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया नंबर वन ऑप्शन वुमेन ऑफ बर्दोली इन नाइनटीन ट्वेंटी एट जब यह बात गांधी जी को पता चली तो गांधी ने कहा बिल्कुल सही है अरे तुम सरदार हो इनको बोला गया सरदार भाई गांधी जी तो वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंटली कौन है होम मिनिस्टर कौन हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो मोदी जी के साथ कौन रहते हैं हमेशा जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं इससे आपको रिकॉल हो जाएगा तो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर को सरदार वल्लभ भाई पटेल अब और इनके बारे में आज तक पेपर में क्या क्या बातें पूछी गई हैं वो बताने लगा हूं इनको सरदार का टाइटल दिया वुमेन ऑफ बरदौली कब 1928 में फिर इकतीस अक्टूबर 2018 में इनका स्टेच्यू बनाया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नरेंद्र मोदी जी ने इनैगुरेट किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑन दी बैंक ऑफ नर्मदा रिवर इन गुजरात गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है और इनसे पहले इंडिया में सम्राट भरत का सबसे बड़ा स्टेच्यू हुआ करता था जिनका नाम था बाहुबली तो बाहुबली मूवी जो है वो सम्राट भरत के नाम से इंस्पायर्ड है और सम्राट भरत को बोला जाता है बाहुबली ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की हिंदू मिथोलॉजी कहती है के हिंदुस्तान का नाम भारत उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है और जर्मनी में सुनिए बच्चे लोगों जर्मनी को यूनाइट किया था बिस्मार्क ने और इंडिया में यूनाइट करने का जो रोल प्ले किया है वो वल्लभ भाई पटेल ने इसलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल सुनिए बच्चे क्या याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल 1928 में वुमेन ऑफ बरदोली और गांधी जी ने दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है और आयरन वुमेन ऑफ इंडिया कौन है जल्दी से गूगल करो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो रिकॉल हो जाएगा आपको और आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू को स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले इनके इकतीस अक्टूबर में नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है आपको यह शायद नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है मैं थोड़ी सी टेक्स्ट को हटा देता हूं नेशनल यूनिटी डे है ना आप दिख रहा नेशनल यूनिटी डे किसके नाम पे मनाते हैं वल्लभ भाई पटेल के नाम पे ठीक है अभी मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं पढ़ाते हैं हम क्लास में कोई कसर नहीं छोड़ते हम यहां मैं आपको यह बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है देखो आपको पता चल गया किस बंदे को टाइटल किसने दिया तो पेपर में पूछा जाता है बताओ जी गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया गांधी जी को बापू का टाइटल किसने दिया और जवाहरलाल नेहरू को आ, उनके नाम पे चिल्ड्रन डे क्यों मनाते हैं ठीक है तो ये नाम आपको याद रखने फिर अगर किसी बंदे के नाम पे कोई स्टेचू बना है तो याद रखना है कोई नेशनल डे मनाया जाता है किसी बंदे के नाम पे तो वो याद रखना है जैसे पेपर में सवाल आया पहला होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है तो पहला होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह पता चल गया और मेरे प्यारे बच्चों में आपको बताऊं जेके एस एस बी में अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉन्स्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो जेके पी सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हो सी एच एस एल की आप तैयारी कर रहे हो नाइब तहसीलदार की आप तैयारी कर रहे हो पटवारी की तो हर ट्यूजडे को हम जॉब जड्डा में बैच स्टार्ट करते हैं आप मेरी बात मानिए जब भी आप कोचिंग करते हैं या मान लो आप दुकान पे चले गए आलू खरीदने के लिए हैं? आलू खरीदेंगे हम तो आप दस बार चेक करके आगे पीछे से देखते हैं भैया जी ये खराब है वो वाला डाल लो वो वाला डाल लो वो वाला डालो, वाला डालो ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? मगर जब आप कोचिंग के लिए आते हैं आप काफी पैसा देते हैं कोचिंग में तो आप क्यों आंख बंद करके कहीं पे घुस जाते हैं आप हर जगह चार दिन पांच दिन छह दिन डेमो क्लासेस लो हो सकता है मेरी समझ एक बच्चे को आए दूसरे बच्चे को ना आए हो सकता है एक को बिल्कुल ना आए दूसरे को थोड़ी सी ज्यादा आए तो आप हमारी डेमो क्लासेस अटेंड कर दो डेमो क्लासेस हमारी हर ट्यूजडे को नया बैच बैठता है आप कभी भी आइए डेमो क्लास अटेंड कीजिए देखिए कैसे दिलू से दिलों के तार जुड़ते हैं आपकी जिंदगी ना बदल के रख दू तो कहना ठीक है बच्चा मगर सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको चल के आना है और मैं आपकी तरफ दौड़ के आऊंगा आप एक बार मुझे मान के तो देखो मास्टर जी देखो चलो जी अब आगे चलते हैं इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी वेबसाइट है देखो इस वेबसाइट में यहां पे आपको क्विज का सेक्शन दिख रहा होगा मैं थोड़ा कैमरा को जूम करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे देखो यहां आपको दिख रहा होगा क्विज़ सेक्शन यहां आपको दिख रहा करंट अफेयर यहां आपको दिख रहा होगा डेली स्टडी मटेरियल यहां आपको दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ जो भी चीजें मैं YouTube पे पढ़ाता हूं उन सब का पी हम यहां डालते हैं यहां से डाउनलोड कर लो क्वीज देना है तो ये क्वीज फ्री है वेबसाइट ओपन करो यहां पे अपना नाम ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज डालो सबसे पहले आप वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाओ रजिस्टर होने के बाद ये सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी तो वहां पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो एक बार फिर से देख लो मैं और जूम करता हूं आपके लिए ये देख लो ठीक है चलो जी अब चलते हैं वापस फिर से तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छा थोड़ा ब्लर हो गया चलो अब मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो अगला सवाल है दी केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट टेबल सॉल्ट का केमिकल नाम क्या है तो मैं आपको बताऊं जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका जो जो भी नाम है उनकी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा और इनके इन पर एक वीडियो भी अलग से लाऊंगा अभी आपको तो पता है सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं क्या टेबल साल्ट नमक मनक नमक मनक नमक टेबल साल्ट को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड फिर उसके बाद व्हाट इज मिसिंग टर्म इन फॉलोइंग सीरीज अब ऐसे सवाल ना मैथमेटिकल होते हैं तो हम करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है अलेवन फिर लिखा है ट्वेल्व फिर लिखा है सेवनटीन फिर लिखा है एटीन फिर लिखा है ट्वेंटी थ्री फिर लिखा है ट्वेंटी फोर ठीक है जी ये है आप देखो आप क्या करो ट्वेल्व से अलेवन निकालो आंसर आएगा वन आप 17 से ट्वेल्व निकालो आएगा फाइव आप एटीन से 17 निकालो आंसर आएगा वन आप ट्वेंटी थ्री से एटीन निकालो आंसर आएगा पांच आप चौबीस से तेईस निकालो आंसर आएगा एक तो पैटर्न नोट करो क्या मेरे प्यारे बच्चों पैटर्न को नोट करो एक पांच एक पांच एक तो आगे क्या आएगा पांच क्या आंसर होगा ये नहीं ये तो ऑप्शन में ही नहीं है देखो तेईस में ये ऐड किया तो ये आया चौबीस में ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा चौबीस और पांच उनतीस आंसर आना चाहिए उनतीस बताओ समझ आ गया हो कि नहीं हैं बच्चे लोगों बताओ समझ आ गया ना अब आगे चलते हैं फिर इसके बाद ये सवाल आ गया रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री देखो जी पीरू वैली से एमेजन रिवर आता है एमेजोन रिवर फ्लोज थ्रू पीरू वैली ठीक है और इजिप्ट आपने सुना होगा इजिप्ट इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल इजिप्ट को क्या बोलते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो ये यह इमेज है मैं कलर रेड लाता हूं ताकि आपको दिख जाए यहां पे एक लेक है इसका नाम है लेक विक्टोरिया पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं देखो यह लेक है इसका क्या नाम है लेक विक्टोरिया लेक विक्टोरिया से यह रिवर निकल रहा है इसका नाम है वाइट नाइल क्या नाम है इसका वाइट नाइल अगर यह आपको नहीं दिख रहा तो आप ऐसा कीजिए अपने मोबाइल में वीडियो की कलेरिटी को बढ़ा दो 720 पिक्सल कर दो वन पिक्सल कर दो तो आपको दिखेगा तो मेरे प्यार प्यारे बच्चों लेक विक्टोरिया से निकलता है कौन सा व्हाइट नाइल याद रखना है व्हाइट नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया और यहां देखो यहां पे लेक टाना लेक टाना से निकलता है ब्लू नाइल दोनों रिवर सुडान की कैपिटल खारतूम में मिल जाते हैं मिलने के बाद ये नाइल रिवर ये, ये 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 गिर जाता है मेडिटेरियन सी में किस में गिरता है मेडिटेरियन सी में चलो मैं वापस आ जाता हूं चलो दिख रहा ना अब आपको तो बताओ जी रिवर नाइल किस कंट्री से फ्लो करता है इजिप्ट से रिवर नाइल किस कंट्री से फ्लो करता है इजिप्ट से ठीक है उसके बाद पीरू वैली से चलने वाला रिवर कौन सा है एमेजन रिवर तो नाइल के बारे में आपने याद रखना है एक है वाइट नाइल एक है ब्लू नाइल वाइट नाइल निकलता है लेक विक्टोरिया से और ब्लू नाइल निकलता है टाना से दोनों मिलते हैं खारतून में और गिर जाते हैं गिर जाता है मेरे कहा मेडिटेरियन सी में चलिए आगे और आगे चलते हु इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट पहले सुनिए ये मैं आपको कब का क्वेश्चन करवा रहा हूं 2016 का पेपर करवा रहा हूं तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप एक बार यहां देखेंगे ये लिस्ट देखेंगे 2015 थाउजेंड फिफ्टीन 2015 और 17 के बीच टी एस ठाकुर श्री टी एस ठाकुर जी हुआ करते थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है तब जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब तो तीरथ सिंह ठाकुर ही हैं यही वाले तीरथ सिंह ठाकुर मगर एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं अच्छा ये तो मैंने पहला लिख दिया चंद्रशूद भी लिखा होगा यहीं पे कहीं पे आ, नहीं लिखा ना तो एट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो चंद्रशूद जी हैं यहां देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनागुरेटेड एन 28 जनवरी 1950, ये कुछ एक बातें याद रखनी है क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इनागुरेशन अट्ठाईस जनवरी उन्नीस में हुई अंडर आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर इट सक्सीडेड फेडरल कोर्ट इंडिया में इससे पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था और यह फेडरल कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक बना हुआ है फिर मेरे प्यारे बच्चों जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियांटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर सेकेंड क्लाज पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज एच जे कनिया पहला चीफ जस्टिस कौन था एच जे कनिया तो ये आपको क्या लिस्ट याद रखनी है बिल्कुल नहीं ये तब के पेपर में ये सवाल पूछा था अब अब जो क्वेश्चन होगा 2022, 23, बाईस यानी कि 23 और 24 से आपने याद रखना है ठीक है फिर मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखो विच गेम इज सानिया नेहवाल एसोसिएटेड विद तो अब यहां से मेरा मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं आपको यह बात पता होनी चाहिए कोई भी पर्सनैलिटी कोई भी पर्सनैलिटी किस गेम के साथ लिंक्ड है वो गेम भी याद रखनी है और पर्सनैलिटी के बारे में भी याद रखना है तो सानिया नेहवाल जी बैडमिंटन से डील करती हैं अब मैं यहां पे आपको बताता हूं देखो टेनिस के बारे में गल्फ के बारे में बॉक्सिंग के बारे में और बैडमिंटन के बारे में पेपर में और क्या क्या पूछा जा सकता है वो बताने लगा हूं देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों बैडमिंटन जो बैडमिंटन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंडक्ट करती है इसका हेडक्वार्टर कोला लमपुर मलेशिया की कैपिटल कोला में है बैडमिंटन करवाने की टीम ऑर्गेनाइजेशन कौन, कौन सी है और उसके बाद आपको याद रखना है बैडमिंटन के बारे में कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप एक ट्रॉफी दी जाती है बैडमिंटन में और कौन सी ट्रॉफी होती है थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन में और क्या होता है सुधीर रमन कप या सुधीर रमन कप किसमें दिया जाता है बैडमिंटन में उबर कप किसमें दिया जाता है बैडमिंटन में, में और आपको याद रखना है इंडोनेशिया मास्टर्स किसमें दिया जाता है बैडमिंटन में और आपको याद रखना है स्पेन मास्टर बैडमिंटन में अमृत दीवान कप बैडमिंटन में गुलाब राय चड्डा कप बैडमिंटन में इब्राहिम रहीमतुल्ला कप बैडमिंटन में और मोहम्मद शफी करेशी कप बैडमिंटन में रामास्वामी कप बैडमिंटन में बुरदवान चैलेंज कप इसमें बैडमिंटन में हरी लीला कप बैडमिंटन में कोनिका कप बैडमिंटन में सोफिया कप बैडमिंटन में अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी क्या यह याद रखने जरूरी हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने अपने यूट्यूब पे मैंने अपने यूट्यूब पे एक प्ले बनाई है एवरग्रीन जीके सीरीज वहां मैंने सभी कप्स एंड ट्रॉफीज पे वीडियोस बनाई है वो देखना फिर उसके बाद मैंने आपको बोल दिया ना हमारी वेबसाइट पे अभी थोड़ी देर के बाद मैं वेबसाइट में जाके बताऊंगा आपको कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आए हैं फिर याद रखने आपने टाई पाई ओपन स्विस ओपन और मकाऊ ओपन मलेशिया ओपन ये सब कप दिए जाते हैं किसमें <coughs> बैडमिंटन में तो आपने क्या याद रखना है पर्सन एसोसिएटेड विद कौन से कप दिए जाते हैं ट्रॉफीज दी जाती हैं ये याद रखना है यही वो क्वेश्चन है जो सिलेक्शन करवाते हैं अब प्यारे बच्चों टेनिस वहां पे ऑप्शन में था तो टेनिस में मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है वो इंटरनेशनल टेनिस गेम को ऑर्गेनाइज करती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ये इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है और एक और बॉडी है वुमेन टेनिस एसोसिएशन ये तीन बॉडीज हैं जो टेनिस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाती हैं इसका हेडक्वार्टर लंदन में इसका हेडक्वार्टर लंदन में इसका हेडक्वार्टर फ्लोरिडा यूएसए में मगर ये वुमेन के लिए करवाती है और ये मेल के लिए अब प्यारे बच्चों टेनिस में आपने और क्या याद रखना है टेनिस में चार बड़े टूर्नामेंट होते हैं इनको बोलते हैं चार ग्रैंड स्लैम्स क्या बोलते हैं चार ग्रैंड स्लैम्स क्या क्या होते हैं इनमें देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन और यहां पे यूएस ओपन विम्बल्डन ओपन अब आप मैं आपको एक बात बताऊं अगर कभी पेपर में आया ऑस्ट्रेलियन ओपन किसमें खेला जाता है ओपन खेला जाता है फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन ये तो मैंने आपको बता दी हम क्या पढ़ रहे हैं। मगर कभी कभार ये पूछा जाता है कि करंटली ये कौन जीता ये होता है करंट अफेयर करंटली ये कौन जीता ये कौन जीता ये कौन जीता ठीक है ऐसे करके आपने धीरे 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 अपने पास कंपाइल्ड स्टडी मटेरियल बनाना है यह मुमकिन नहीं है कि आप अभी अभी पढ़ो और आपकी सिलेक्शन हो जाए यह तो ऊपर वाले की दया है अगर कभी ऐसा हो जाए मेरे प्यारे बच्चों अभी आप छोटे हैं अभी आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे हैं बहुत छोटे हैं दसवीं पढ़ रहे बारहवीं पढ़ रहे तो आप अपने पास एक नोटबुक बनाओ उस नोटबुक पे तैयारी करो डटके या कोई बच्चा अगर मैं आपको एक बड़ा अच्छा जरूरी मैसेज दूं मान लो आप राजौरी से हो कठुआ से हो रामबन से हो डोडा से हो आप अपने घर वालों को बोलो हमें अगर जम्मू आप तीन चार तीन महीने के लिए भेजते हैं तो हमें भेजिए वहां बैठ के हम तैयारी करेंगे आप यहां हमारे पास आइए मैं हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाऊंगा धीरे से यहां से ऊपर करते 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 मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां ले आऊंगा आपको फिर आप अपनी मंजिल खुद तराशने के काबिल हो जाएंगे मगर एक शर्त है आप ईमानदार होने चाहिए आपके अंदर एक जोश होना चाहिए नहीं कुछ करना है जी आप ठंडे बैठे रहेंगे हम भी बैठे रहेंगे तो ना आप कामयाब ना हम कामयाब मेरी कामयाबी आपसे जुड़ी हुई है आप हैं तो मैं हूं अदरवाइज़ आई एम जीरो मेरा सोसाइटी में कोई भी रोल नहीं है चलिए बच्चे लोग फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन अब मैं यहां देखता हूं सुनिए कभी कभार बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है हार्डली एक या दो बार पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां खेला जाता है हार्ड ग्राउंड में फ्रेंच ओपन कहां खेला जाता है क्ले में वेम्बल्टन कहां खेला जाता है ग्रास में यूएस ओपन कहां खेला जाता है मिडोज में ठीक है याद रखना अब गल्फ के बारे में रईसों का खेल अमीरों का अमीरों का खेल गल्फ के बारे में याद रखना ऑफिशियल बॉडी प्रोफेशनल गल्फ कोर्स एसोसिएशन है हेडक्वाटर फ्लोरिडा यूएसए में बताओ जी गल्फ का हेडक्वाटर कहां पे है मास्टर टूर्नामेंट अगस्ता नेशन गल्फ कप है पीजीए चैंपियनशिप ट्रॉफी है नहीं और राइडर कप पेपर में पूछा जाता है सुपर इंपॉर्टेंट राइडर कप किस में खेला जाता है वाकर कप किस में खेला जाता है सोलिम कप किस में खेला जाता है आइजन होवर कप में खेला जाता है और फेडेक्स कप किस में खेला जाता है ये सब कप है किसमें गल्फ में ठीक है अच्छा अब आज मैंने आपको ग्यारह क्वेश्चन करवाए हैं ठीक है मेरे प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा मैं एक बार फिर से वेबसाइट में आपको जाके बताता हूं देखो ये आपने गूगल में लिखना है आपने गूगल में लिखना है www.jobzaddainstitute.com ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई यहाँ पे आपको ये YouTube एप यूट्यूब में जाना है ये देखो मैंने अभी आपको स्पोर्ट एंड कप पढ़ाया ये जो मैंने पढ़ाया है उसका पी नहीं है ये प्रीवीसी क्वेश्चन का पी है वो भी मैं आपको यहीं डलवा दूंगा देखो कितने टॉपिक से तो आप प्यारे बच्चे सभी यहाँ पे विजिट किया करो लॉग किया करो यहां पे लॉगिन करने के बाद अपना नाम पल्ला यहां डाला और अपना पासवर्ड याद रखना है ठीक है अपना पासवर्ड याद रखना है और फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां से तैयारी करनी है तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यू सीरीज आपको पढ़ा सकूं अगर मैं कभी कबार कोई सीरीज छोड़ दूं तो इसका मतलब है मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा तो मज़ा नहीं आ रहा होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आज का एपिसोड इतना ही थैंक यू गॉड ब्लेस यू